कि हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए। अरे तुमसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए? हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रही हो मेहंदी? खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। नौजवानों, आपके इन एहसासात और जज्बात की इस वक्त अगर कोई तर्जमानी कर सकता है तो पूरा मारूफ का एक ऐसा नुमाइंदा जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपने दयार का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिलों को भी तय किया है, लोगों के दिलों पे भी दस्तक दी है, वो नौजवान है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है जनाब परवेज कौसर का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि लम्हा नहीं कोई दिनों रात में जो न गुजरा हो तेरे ख्यालात में, और परवेज तेरी जुल्फों में जुगनू सजा दूंगा, हमसे मिलना कभी चांदनी रात में। हरे कृष्ण से काम है, अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है अंदाज परवेज कौसर का। जी परवेज भाई, बहुत उम्दा। आइए हजरात, यहाँ पे बैठे बैठे अंदाजा हो गया कि आप कैसी शायरी सुनना चाहते हैं। जी, बतौर खास मैं इधर उधर न करते हुए डायरेक्ट मतले पे आता हूँ। एक मतला अभी हुआ है बतौर आज की कमेटी बड़ी खूबसूरत है। मेरे बड़े भाई नसीम अख्तर साहब, उनके तमाम अराकीन ग्रुप को मैं सलाम करता हूँ। दाइस पे जलवा अफरोज हाजी पल्लू साहब तशरीफ रखते थे, अभी अभी रुखसत हुए, और वहीं पे मेरे बड़े भाई शकील अहमद साहब सेठ रहे माशाल्लाह, और मेरे बड़े भाई सरफराज अहमद जो जहानागंज से अभी तशरीफ ले आए हैं, करूल बशर साहब। सरफराज भाई एक बेहतरीन चेयरमैनी पद के उम्मीदवार हैं। शमशीर भाई, फारूक साहब, शाहिद साहब, हुसैन भाई, तमाम मेरे शोरा अजीम शख्सियत है। जायज पे जलवा अफरोज, मैं एक मतला आपके हवाले करो प्रोग्राम हाजिर मुलाजे करने के आदमी अजीम साहब बेहतरीन निजामत के बंसावर के वो अपने घर से जब निकलते हैं, क्या कहना हाजिर करो के बंसावर के वो अपने घर से जब निकलते हैं के बंसावर के नौजवानों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, बूढ़े भी मचलते हैं। नौजवानों को छोड़ो, बूढ़े भी मचलते हैं, बंसावर के वो अपने। आइए हजरात, मैं गीत का मुखड़ा हाजिर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तशनलबी शबाब पर है। जी, मैं मतलब पढ़ता हूँ गीत का, बतौर खास लुत्फ लीजिए, हाजिर कर रहा हूँ प्यारे सामने, बड़े ही मोहब्बतों से नवाजते हैं, बतौर खास मतलब हाजिर है। एक बार की क्या बात है, सौ बार किया है, क्या बात है परवेज, एक बार की क्या बात है, सौ बार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई, अभी माशाल्लाह बहुत बहुत मुख्तार भाई अपनी दुआओं से नवाज रहे, माशाल्लाह इनके दिल में भी उमंग है, बड़ी जवान है। बतौर खास एक बार की क्या बात है,
है सौ बार किया है। अरे मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। बंदा हाजिर है गीत का बतौर खास के अपनी अदाओं का जादू चला कर, अपनी अदाओं का जादू चला कर, अपनी वफाओं की खुशबू लुटा कर, जाने तमन्ना जाने मोहब्बत, जाने तमन्ना जाने मोहब्बत, दिल को मेरे तूने बेकरार किया है। मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। इतना खतरनाक शेर पढ़े हो, खुदा की कसम शेर तुम पढ़ रहे हो और रेड कलर की लाइट मेरे ऊपर जला रहे हैं। ये तो मोहब्बत, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जलाने वालों से मेरी ये मेरा ये ऐलान है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके और मुंतजिर हूँ सितारों का कभी आंख लगे चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। ये नौजवानों को सलाम प्यार किया है। और दूसरा बंद बतौर खास मेरे बड़े ही अजीज दोस्त जो सऊदी में मुकीम है अनीस अहमद गोर, इससे पहले मुशायरा जो था उन्होंने भी बहुत धमाल मचा था। बतौर खास से बंद हाजिर, एक बार की क्या बात है सौ बार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। दुनिया की हर रस्म और रीत तोड़ी के दुनिया की हर रस्म और रीत तोड़ी, तब जाके अपनी बनी है ये जोड़ी। सबने कहा के तू बेवफा है, सबने कहा के तू बेवफा है, मैंने मगर तुझ पे एतबार किया है। एक बार की क्या बात है सौ बार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, प्यार किया है, प्यार किया है। देखिए ये है जोड़ का तोड़। आइए आइए मैं अपने बड़े अजीज दोस्त बड़े भाई रईस अहमद गुड्डू साहब के हवाले करता हूँ। देखिएगा बंद हाजिर कर रहा हूँ के रेशम के जैसी है जुल्फें तुम्हारे, परवेज इस मिसरे को तीन मरतबा पढ़ना है तुमको मेरी। के रेशम के जैसी है जुल्फें तुम्हारी, रेशम के जैसी है जुल्फें तुम्हारी, फूलों से तूने इन्हें रेशम के जैसी है जुल्फें तुम्हारी, फूलों से तूने इन्हें है सवारी। आंखें शराबी चेहरा गुलाबी, आंखें शराबी चेहरा गुलाबी, कलियों को तूने शर्मसार किया है। क्या कहना भाई परवेज, जवाब फकत प्यार, मैंने तुमसे प्यार किया है। वाह सच्चा प्यार हो जाएगा परवेज, बहुत बहुत जिंदाबाद नसीम भाई तुम से कि मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। और ये भी प्यारा बन बतौर खास, फूलों से नाजुक ये तेरा बदन है, अरे फूलों से नाजुक ये तेरा बदन है, तू खुद में एक हुस्न की अंजुमन है। दिल ये चुरा के बिजली गिरा के, दिल ये चुरा के बिजली गिरा के, तीरे नजर दिल पार किया है। फिर पढ़ो इसको, फिर पढ़ो मेरे भाई, पार किया है। शकील भाई को अपना बचपना वो दौरे जवानी याद आ रहा है। बतौर खास मैं हाजिर कर रहा हूँ सरफराज भाई तवज्जो का ताली बतौर खास के फूलों से नाजुक ये तेरा बदन है, तू हुस्न की तू खुद में एक हुस्न की अंजुमन है। दिल ये चुरा के बिजली गिरा के, दिल ये चुरा के बिजली गिरा के, तीरे नजर दिल के पार किया है। मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, प्यार
और आखिरी बन बतौर खास मुलाजा करेंगे इस गीत का। अरे जाने तमन्ना ये कातिल अदाए, अरे जाने तमन्ना ये कातिल अदाए, बेताब दिल पर है खंजर चलाए, ऐ शोख दिल पर तूने तो अक्सर, ऐ शोख दिल पर तूने तो अक्सर रातों को दिल बेकरार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, हाँ प्यार किया है। और मक्के का बन बतौर खास मुलाजा करेगा किशन साहब, आपके हवाले डाइस भी माशाल्लाह बहुत ही बेदार है, एक बार जोरदार ताली बजा दे इस डाइस के लिए, अपने मुशायरे के लिए बहुत खूब बंद हाजिर करता हूँ। कि यूं ही न रह जाए परवेज़ ख्वारा, अरे यूं ही न रह जाए परवेज़ ख्वारा, यूं ही न रह जाए अकबल कुवारा, तू मेरे जीवन का बन जा सहारा, अरे यूं ही न रह जाए परवेज़ ख्वारा, तू मेरे जीवन का बन जा सहारा, आ मेरे पास दिल में समा जा, आ मेरे पास दिल में समा जा, मैंने तेरा बरसों इंतजार किया है, अरे प्यार किया है रे भगत, प्यार किया है, हाँ प्यार किया है, हाँ प्यार किया है। आई हजरात एक गजल की फरमाइश थी, उससे कबल मैं एक और बेहतरीन गजल सुनाना चाहता हूँ, इजाजत हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दें, बतौर खास मैं मतला हाजिर करता हूँ। परवेज वाकई हमारा और तुम्हारा प्यार मजमे ने देख लिया, लेकिन हकीकत है कुंवारे की बात कर रहे हो, अपने भी कुंवारे की, और ये सच है परवेज भाई, पता नहीं शादी हुई कि नहीं, मेरी पता नहीं हुई कि नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शादी बहुत बड़ी चीज है परवेज भाई, इतनी बड़ी चीज है कि अगर किसी की शादी हो जाए तो नई नई शादी के बाद 5 साल तक उसका बेडरूम अगर चेक किया जाए तो उसमें क्या मिलेगा शकील सेठ साहब, खूबसूरत कमरे जैसे आपके मकान चमक रहे हैं, नक्शो निगार वाले पर्दे और सेंट की शीशी, लेकिन 5 साल के बाद फिर चेक किया जाए तो क्या मिलेगा, बाम की शीशी, पैरासीटामोल, दर्द के टैबलेट, यही सब मिलेगा जैसे शमशाद निवादी साहब को मिल रहा है जी। आइए वाहिए वाह, मुशायरा बड़े ही खूबसूरत अंदाज में चल रहा है, और सामईन बहुत ही बेदारी के साथ सुन रहे हैं, सभी शोरा को दुआओं से नवाजते हैं। एक मतला हाजिर करता हूं, हमारे दिल जले बहुत से ऐसे बैठे हैं, और वाकई कोई शेर ऐसा होगा कि जो उनके दिलों को छू जाए, बतौर खास अकबर साहब मतला देखिएगा तमाम सामईन के हवाले इस स्टेज की तरफ से, शमशीर भाई बतौर खास। जब अपनी मोहब्बत का, जब अपनी मोहब्बत का इको थोड़ा थो, जब अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल टूट गया, दिल टूट गया, जब अपनी मोहब्बत का, जब अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल टूट गया, दिल टूट गया, छलक जाता जाता आंखों से छलक जाता, अशकों का है पैमाना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, आंखों से छलक जाता अशकों का है पैमाना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। और पहला बन पर खास मुलाजे करेंगे, करने को आदत तुम्हें एक बार चली आना, भाई बतौर खास मुलाजे करेंगे,
करने को आदत तुम्हें एक बार चली आना, ऐ जान वफा तुझसे कहता है ये दीवाना, कहता है ये दीवाना। अरे हम लाख कहें फिर भी, हम लाख कहें फिर भी वो बात नहीं माना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। और ये भी बन बतौर खास हाजिर करता हूं मुलाजा करें, दिल चीज है क्या तुझ पे मैं जान लुटाऊंगा। सरिया वालों शेर हाजिर करना बतौर खास मुलाजा करेंगे कि दिल चीज है क्या तुझ पे मैं जान लुटाऊंगा, ता उम्र मेरे दिल पे तेरा साथ निभाऊंगा, तेरा साथ निभाऊंगा। जिसे अपना समझते थे, अपना समझते थे वो निकला है बेगाना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। और एक बन बहुत ही दर्द भरा, ये शेर शायद किसी मेरे दोस्त नौजवान को छू जाए, हाजिर करता हूं मुलाजा करेंगे। दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, अरे मेरा न हुआ वो जब किसी और का क्या होगा, मेरा न हुआ वो जब किसी और का क्या होगा। एक बार नहीं मुझको सौ बार दिया धोखा, सौ बार दिया धोखा। संग देख के गैरों के है, संग देख के गैरों के आता है मुझे रोना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। और आखिरी बंदी इस नज़्म का बतौर खास कि मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, सूली पे चढ़ा देना। शेर हाजिर करता हूं बतौर खास कि मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, फितरत है हसीनों की दिल लेके दगा देना, दिल लेके दगा देना। ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है, दुनिया ने इसे माना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। और वक्त का शेर बतौर खास कि परवेज जमाने में, परवेज जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। अकमल भाई तवज्जो चाहूंगा, अरे सुनो यार, कि परवेज जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में जो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं, तन्हाई में रोते हैं। क्या दर्द जुदाई है, अरे क्या दर्द जुदाई है, दिल हार के है जाना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। जब वो अपनी मोहब्बत का है, जब वो अपनी मोहब्बत का कहता हूं मैं अफसाना, दिल तोड़ दिया।
अकमल साहब एक फरमाइश थी, कई लोगों ने फरमाइश किया था, एक मतलब चंद शेर में उसका पढ़ देना चाहता हूँ और अगर अच्छा लगे तो मेरे मतलब पे ताली बजा दीजिए। मैं समझूंगा कि वाकई आप सुनने के मूड में हैं। बतौर खास जी ओ बेवफा तू सुनने के मूड में है, इतना बता दे दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। देख के गुरबत मेरी तूने, देख के गुरबत मेरी तूने, साथ निभाना छोड़ दिया। ओ बेवफा बता दे दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। और हुस्न मतलब बतौर खास इसी मोहब्बतों के साथ अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको, हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। वाह, रातों को मेरी नींद उड़ाकर चली गई, सोया था गहरी नींद जगाकर चली गई, पूछा जो मैंने ख्वाब, पूछा जो मैंने चांद निकलता है किस तरह, रुख से नकाब अपने हटाकर चली गई। ओ बेवफा तू इतना बता दे दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। देख के गुरबत मेरी तूने, साथ निभाना छोड़ दिया। और हुस्ने मतलब बतौर खास एवं मुशायरा इरफान भाई आपके हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाज़िम करेंगे कि मेरी खातिर उसने भी अब छत पर आना छोड़ दिया, कि मेरी खातिर उसने भी अब छत पर आना छोड़ दिया। उसकी गलियों में मैंने भी, उसकी गलियों में मैंने भी आना जाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। और एक शेर बहुत ही प्यारा बतौर खास मुलाज़ा करेंगे, छोड़ के जाने वाले मुझको प्यार की राहों में तन्हा, छोड़ के जाने वाले मुझको प्यार की राहों में तन्हा। रे देख ले मैंने, रे देख ले मैंने तेरी खातिर सारा ज़माना छोड़ दिया। ओ बेवफा इतना बता दे दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। और ये भी शेर बतौर खास मुलाज़ा करते हैं, जल्दी जल्दी ये सफर पूरा करते हैं। शोराए किराम की फेरिस्त बड़ी तवील है और एक से बढ़कर एक अनमोल नगीने हमारे डाइस पे जलवा फरोज है। बतौर खास मतला हाजिर करता शेर हाजिर करता हूँ कि कोमल जैसा तेरा ब
बदन में कोमल जैसा देख सकूंगा मैं उसका अब कैसे बदन कोमल जैसा देख सकूंगा मैं उसका अब कैसे बदन अरे गांव की मेरे झील में उसने रे गांव की मेरे झील में उसने जब से नहाना छोड़ दिया और मक्के का बन बतौरे खास आखिरी शेर बतौरे खास मक्का कि मेरे रकीबों अब ऐसे ना अकमल को बदनाम करो मेरे रकीबों अब ऐसे ना तुम मुझको बदनाम करो अरे उसे